आज के खाने में बन रहा है आपका फेवरेट मंचूरियन। यस, रेडी हो गया है, ये हो गया रेडी मंचूरियन जल्दी से, और अब राइस के साथ हम ये खाएंगे। हेलो, हाँ पुरवा, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ मैं, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज के खाने में क्या बना रहे हो? आज के खाने में बन रहा है आपका फेवरेट मंचूरियन। यस, वाओ, मंचूरियन बॉल से ये सारी मंचूरियन बॉल बन जाएगी, उसके बाद हम इसको सॉस में डाल के थोड़ा सा ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाएंगे, और ये है उसकी बॉल्स, बना भी दे बॉल्स। हाँ, और ये बचा हुआ आटा है, इसके भी बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या डाला है? इसमें बहुत सारी पत्ता गोभी है, गाजर है, कॉर्नफ्लावर है, और थोड़ा सा मैदा है, और नमक है। कुछ ज्यादा मसाले नहीं है, सिर्फ सब्जियां है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा है, ताकि बाइंडिंग आए और बॉल्स तैयार हो जाए। बच्चों को बॉल्स खानी है तो बॉल्स खा लेंगे, और नहीं तो ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाएंगे जैसा आपको पसंद है। ड्राई मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन, सेमी ग्रेवी, सेमी ग्रेवी, खूब सारा, ये तो बन गई है, खूब सारा, मतलब क्या डालते हैं अपन, आपको लहसुन पसंद है ना, खूब सारा लहसुन डालेंगे, हरा वाला प्याज डालेंगे, और इसमें क्या बना रहे हैं दूसरे में? ये है अपने छोटे बाबू जो हैं सोमे, उनका खाना है। अरे वाह यार, वो ऑयल वाला, हाँ स्टीम खाएगा वो, उसको ज्यादा ऑयली नहीं देते हैं, वो खाता भी नहीं है, अभी छोटा है। तो ये हमारा एक बैच निकल के तैयार हो गया, स्पेशल चाइनीज, चाइना में चाइनीज स्पेशल, चाइनीज कुजिन, चाइनीज कजिन, कजन होता है कि कुजिन होता है, ये भैया कमेंट करके बताओ क्या होता है। हाँ। अरे वाह यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ, ब्यूटीफुल तो है और हेल्दी भी है। ये फिर से बॉल्स डाल देते हैं फटाफट। अच्छा लगता है, बच्चे को ऐसे खाना है तो बच्चे ऐसे खा सकते हैं, फ्राई ग्रेवी, सेमी ग्रेवी, ज्यादा ग्रेवी, रोटी से तो कम ही लोग खाते हैं, लेकिन चाइना में ये मिलता नहीं है जो इंडिया में मिलता है वैसा। हाँ, मंचूरियन मैंने मतलब 8 साल हो गए इसको डांटने, चाइना में 8 साल हो गए अपने को। हाँ। पर ये वाली जो डिश है वो एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी, सेम टू सेम चाइना में नहीं मिलती, वो मैंने नहीं देखी। हाँ, थोड़ी सी स्टीम बॉल हो सकती है, या थोड़ी सी मतलब कुछ और चीजों के साथ मिक्स करके बनाते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो डिश है वो अपना मतलब इंडिया वालों की डिश है, क्योंकि ये इंडो चाइनीज डिश है, शायद इंडिया में जाते जाते जो वेरिएशन हुआ है, वो ये वेरिएशन है कि इसको अपन फ्राई करते हैं, और उसी में मतलब डीप फ्राई करते हैं, पहले तो बॉल्स को, उसके बाद नहीं बनाते हैं। गांधी में एक जगह क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा सिमिलर बॉल, वो बॉल भी मिलती थी वो भी, पर वो स्टीम रहती थी। मंचूरियन का नाम मतलब कहाँ से आया? मंचूरियन का नाम तो मेरे को नहीं पता। हाँ, तो कितनी देर लगेगी इसको बनने में? ये बॉल फ्राई हो जाएगी, उसके बाद तो 5 मिनट में बनेगा ये। अच्छा, बस बॉल फ्राई होने का है, बॉल अगर अच्छे से फ्राई नहीं की तो वो अंदर से मतलब कच्ची कच्ची लगेगी, और आपकी राइस से खाओगे तो राइस बना लेते हैं, और नहीं तो आपको अगर क्रिस्पी पराठे और मंचूरियन और सूप वगैरह लेना है तो वो बताओ। हाँ, हरियाणवी पराठे से खाओगे, पराठे ज्यादा अच्छे रहेंगे। वैसे तो मंचूरियन भी काफी है, मंचूरियन से ही पेट भर सकता है। हाँ, मंचूरियन अपने आप में ये कंप्लीट डिश है, पर थोड़ा बहुत राइस बना देंगे, पराठे, पराठे भी बना देंगे, राइस भी बना देंगे, दोनों चीज बना देंगे, फिर आपकी मर्जी है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करेंगे। अच्छा। और बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं, तो इसमें बहुत सारी मिर्ची वगैरह नहीं डाल दी, एक दो बार फ्राई करेंगे, एक बार बच्चों के लिए, एक बार अपने लिए। चलो ठीक है, तो देखते हैं कैसे फ्राई करोगे। वो जल्दी फ्राई होगा, ये हमने ऑलिव ऑयल लिया है,
ये मंचूरियन बॉल्स है, ये मैंने एक छोटा सा सॉस बनाया है सोया सॉस और डार्क सोया सॉस मिलाकर और थोड़ा सा मैदा है इसमें और ये अदरक लहसुन है। तो बहुत जल्दी हम फ्राई करेंगे, मैं बहुत सारी सब्जियां निकालूंगा। ये मैंने जो सॉस बनाया है रेडी हो गया है। ये हम कर देते हैं इसकी प्लेटिंग। ये हो गया है रेडी मंचूरियन जल्दी से, और अब राइस के साथ हम ये खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सभी साथ में मंचूरियन खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल को देखते रहिए और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।